22,216 वोटों से घोसी की जनता ने समाजवादी पार्टी को जिताने का काम किया। क्या कहेंगे घोसी की जनता को? घोसी की जनता को मैं बधाई देना चाहता हूँ कि जिस तरीके से घोसी की जनता ने एक ऐतिहासिक जीत दर्ज कराई है, निश्चित रूप से हम लोग समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर के घोसी की जनता के साथ बैठ कर उनकी प्राथमिकताओं को, जो उनकी प्राथमिकताएँ होंगी, उन अनुसार उनके विकास के लिए जो भी संभव होगा उसके लिए प्रयास करेंगे। यूपी में तो सरकार बीजेपी की तो बन गई। अभी अंतिम दौर में आप जान रहे हैं कि अंतिम दौर में मतगणना जारी है और 100 से ज़्यादा सीटें हमारी 100 से लेकर 300 के बीच में हैं, तो अंतिम परिणाम आने तक थोड़ा इंतजार करिए, हो सकता है आने वाले दिन हम लोग तो पार्टी में मिल रहा है। वोटों की गिनती हमेशा अप डाउन होती रही है, इस पर क्या कहेंगे? हमने पीछे कभी क्या कहेंगे इस जीत पर? जीत पर मोहम्मदाबाद की सम्मानित जनता कार्यकर्ता हर धर्म हर मजहब के लोगों का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। शुक्रगुजार हूँ कि सब लोगों ने जात धर्म मजहब की दीवार को तोड़ करके समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के रूप में हमें चुनने का काम किया, वोट देने का काम किया। उन सबके आशीर्वाद से मैं चुनाव जीता, इसके लिए पूरे अहमदाबाद क्षेत्र की जनता का मैं आभार प्रकट करता हूँ। लेकिन यूपी में बीजेपी की सरकार बन गई, कैसे कहेंगे? क्या पोलिंग था? यूपी में बीजेपी की सरकार बन गई, कैसे कहेंगे? क्या कहेंगे इस पर? सरकार बन गई, सरकार तो बनती ही किसी न किसी की। एग्जिट पोल को लेकर काफी नाराजगी थी आपके अंदर। आप एग्जिट पोल को लेके आप क्या काम होगा आगे रहेंगे? कुछ आपने डायग्राम बना रखा है कि मोहम्मदाबाद में कुछ लेके आना है काम? जाने दीजिए, इसके बाद तो आएगा ही। आप हमारे पीछे चले लोग आगे जा रहे हैं। कितने वोटों से जीते हैं भाई? जनता ने तो भरपूर आशीर्वाद दिया था। धनबल का प्रयोग जबरदस्त किया गया है क्षेत्र में जी, बड़े पैमाने पर। किसके द्वारा? विनिंग कैंडिडेट के द्वारा। 3 विधानसभा यहाँ समाजवादी पार्टी भी जीती है, तो क्या यहाँ पर भी धनबल का प्रयोग किया गया है? अब यहाँ के बारे में नहीं बता सकता, अपने विधानसभा के बारे में बता सकता हूँ। प्रदेश में एक बार फिर भाजपा की सरकार आ रही है, जबकि यहाँ पे 3 सीट आप लोग जीते हैं। अब जनता को बरगला करके, झूठ बोल करके, तो 2-3 बार बनाई गई सरकार है, फिर जनता को लालीपॉप राशन दे करके, फ्री का राशन दे करके, और उन लोगों ने सरकार बना लिया। तो आगे की रणनीति क्या रहेगी? आगे की रणनीति आपकी क्या रहेगी? संघर्ष जारी रहेगा। क्षेत्र के लोगों को बहुत बहुत बधाई, उन्होंने हमारा जबरदस्त तरीके से साथ दिया। मात्र 3,500 वोट से मैं हारा हूँ, ये जनता ने तो आशीर्वाद दिया ही था जी। लेकिन धनबल के आगे मैंने तो धन बांटने का काम नहीं किया, मेरे पास था ही नहीं कि मैं बांटूं। क्या कहेंगे 1500 प्रत्याशी आकर जीत गए? अब ये तो जनता जो तय किया उसको सर्वमान्य है, जनता ने जो फैसला लिया उसको उसके आगे। आपस में सपा के लोगों का विरोध का तो नहीं है आपको सजा? अब सुधाकर सिंह गुटबंदी की वजह से तो उनके वजह से कोई फर्क नहीं पड़ा। उन्होंने बीएसपी के लिए वोट मांगा, बीएसपी को जिताने के लिए। बीएसपी 50 भी नहीं क्रॉस कर पाई, आप सबको पता ही चल गया होगा कितना बीएसपी ने वोट पाया है, जिसको वोट चढ़ाना चाह रहे थे। अमरेश बाबा की वजह से तो नहीं चुनाव हार कर देखना पड़ा आपको? अमरेश बाबा की जमानत नहीं बची, 2000 वोट पाए अब उनको तो समझ में आ गया कि चुनाव लड़ने का नतीजा कांग्रेस से लड़े हैं। भाजपा के जो प्रत्याशी चुनाव जीते हैं उन पे घोटाले का आरोप लगा हुआ है, उसको कैसे देखते हैं, क्या कहेंगे आप? आप सभी को मालूम है कि चार्जशीट दाखिल है, उनको जेल में होना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में अगर कोई भी अपराधी हो, चाहे गुंडा हो, चाहे घोटालेबाज हो, अगर जाएगा तो दूध का धुला हो जाएगा। क्या माना जाए कि राज्यपाल के बेटे इस वजह से इनको बाहर रखा गया अब तक? बिल्कुल।